वैसे तो दिल्ली में कई गैंगस्टर और गैंग हैं जो दिल्ली NCR में अपराध को अंजाम देते हैं। कुछ के चर्चे होते हैं और कुछ के नहीं होते, दबकर रह जाते हैं, या फिर वो वारदातें ऐसी होती हैं जो चर्चा में ही नहीं आती। लेकिन इससे दिल्ली में ऐसी ऐसी गैंग और गैंगस्टर हैं जिनके नाम तक से लोग खौफ में आ जाते हैं। किसी को अगर इनके नाम से फोन आ जाए और कह दे कि नीरज बवाना बोल रहा हूँ, काला चठेड़ी बोल रहा हूँ, या फिर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से बोल रहा हूँ, तो सामने वाले की हालत खराब हो जाती है। आज के इस वीडियो में हम दिल्ली के एक ऐसे ही गैंगस्टर की बात करने वाले हैं जो कुख्यात गैंगस्टर काला चठेड़ी गैंग का मेंबर है और जेल में भी बंद है। लेकिन उसका नाम जब व्यापारी सुनते हैं तो दहशत में आ जाते हैं, क्योंकि वो एक दो पेटी के लिए फ़ोन नहीं करता बल्कि सीधे खोखे पर आ जाता है, या फिर यूँ कहें कि खोखे से नीचे बात ही नहीं करता। वैसे तो आपको पता ही होगा खोखा मतलब करोड़। जिस गैंगस्टर की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है अक्षय अंटेल, जो काला जठेड़ी गैंग का गुर्गा है और दिल्ली के मंडोली जेल में सजा काट रहा है। जेल में बंद होने के बाद भी अक्षय अंटेल ने करोल बाग के एक गारमेंट व्यापारी से 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस के हाथ पैर फूल गए कि 5 करोड़ की रंगदारी तो नीरज भवाना और लॉरेंस बिश्नोई भी नहीं मांगता होगा। जबकि एक को दाऊद कहा जाता है और दूसरे को देश का नंबर वन गैंगस्टर, तो फिर अक्षय अंटेल जो सीधे 5 करोड़ की रंगदारी मांग रहा है, कौन है वो? दरअसल अक्षय अंटेल हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला है। 20 साल की उम्र में उसने पढ़ाई लिखाई छोड़कर अपराध की पाठशाला में एडमिशन लिया और फिर उसकी मुलाकात हुई काला जठेड़ी से, जिसके बाद वो काला के लिए काम करने लगा और महज 2 साल में इसने बड़े बड़े अपराधों को अंजाम दिया। और 5 करोड़ की रंगदारी तो उसने नीरज बमाना के अंदाज में मांगी थी जेल में बैठकर, और फिर जेल में तलाशी अभियान चला तो उसके पास जेल के अंदर से आईफोन 12 बरामद हुआ। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने काला जठेड़ी के राइट हैंड नरेश सेठी के साथ मिलकर रंगदारी की डिमांड की थी। नरेश फिलहाल गुरुग्राम की भोंडसी जेल में बंद है। पुलिस उसके खिलाफ भी वारंट लेकर उसे गिरफ्तार करने की तैयारी कर रही है। शुरुआती जांच में ये भी मालूम चला कि आरोपी अक्षय अंटेल के पास जो सिम कार्ड मिला था वो मेरठ के कंकरखेड़ा थाने की पुलिस चौकी पीपी सूर्य कॉलोनी में तैनात एक सिपाही ने इश्यू करवाया था। सिपाही BSNL और वोडाफोन कंपनी के सिम एक CNG मैकेनिक के नाम पर जारी करवाया था। इसके बाद इनको काला जठेड़ी गैंग के राकेश उर्फ राका को दिया गया। इसके बाद यह सिम अक्षय और नरेश के पास पहुंचा। इन दोनों ही सिम कार्ड से नरेश और अक्षय एक दूसरे के संपर्क में थे। रंगदारी मांगने के लिए इन सिम कार्ड का इस्तेमाल किया जाता था। फिलहाल पुलिस उस सिपाही से भी पूछताछ कर रही है। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए PDF न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।